Good morning students, how are you? Hope you are doing well. Students, today I am going to start a new chapter, Respiration in Plants. Respiration is an energy-releasing, enzymatically controlled catabolic process which involves a stepwise oxidative breakdown of food substances inside living cell. Student, हमारी बॉडी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है डैट इज ग्लूकोज C6H12O6. क्लियर? ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड स्प्रेड इनटू CO2 एंड H2O. दिस इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड All living organisms require energy for all activities like absorption, movement, reproduction, or even breathing. Energy required is obtained from oxidation of food during respiration. Student, देखो, सभी को पता है कि हम food क्यों लेते हैं? Energy के लिए. और food में क्या होगा? Oxidation होगा. Means plus oxygen, तब क्या होगा? आपके एनर्जी रिलीज होगी. और ये एनर्जी रिलीज कब होगी? रेस्पिरेशन प्रोसेस में होगी. क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर सिंथेसाइज ऑफ ATP. ठीक है, जो फूड है हमारा वो एनर्जी रिलीज, फूड जब ब्रेक डाउन होगा सेल के अंदर तो एनर्जी रिलीज होगी. और एनर्जी जब रिलीज होगी तो किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में रिलीज होगी. क्लियर? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस टू प्रोड्यूस एनर्जी इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये फंक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनली के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनली हमारा पावर हाउस होता है. ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज द रेस्पिरेशन. एंड द कंपाउंड दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सब्स्ट्रेट. ठीक है, energy released during oxidation is not used directly but utilized in synthesis of ATP which is breakdown when energy is required. and is ATP ko aap kya bolte ho? energy currency. theek hai, and the process of respiration require oxygen and in plants oxygen is taken in by the stomata, lenticel and root hairs. ठीक है, ये हमारे ऑक्सीजन के सोर्सेज हैं. जब प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से? स्टोमेटा. स्टोमेटा आपको कहाँ मिलेंगे? स्टोमेटा आपको लीव के एपिडर्मल, ये एपिडर्मल पार्ट है, यहाँ पे आपको इस तरह से कोमा शेप में स्टोमेटा मिलते हैं. डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर कि वो अपर एपिडर्मल्स में रख रहा है या लोअर साइड में स्टोमेटा को रख रहा है. ठीक है, लेंटी सेल्स आपको कहाँ मिलती हैं? जैसे आपका ये स्टेम है, स्टेम में ये बार्क में आउटर पार्ट होता है, ये इस तरह से ब्रिक पार्ट होते हैं बार्क के, वहाँ पर आपको लेंटी सेल्स मिलती हैं. क्लियर? और रूट हेयर, रूट हेयर्स मिलते हैं जैसे एपिडर्मिक्स है, जैसे हमारी ये फर्स्ट हेयर रूट्स की एपिडर्मिक्स की हो गई. ठीक है, और यहाँ क्यूटिकल प्रेजेंट है, थिन लेयर, और यहाँ पे हमारे इस तरह से रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर. ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह से नज़र आते हैं. ठीक है, ये रूट हेयर्स होते हैं. रूट हेयर का काम क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन करना, ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करना फ्रॉम आवर एटमोसफियर. क्लियर? प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेशन ऑर्गन बिकॉज each plant part take care of its own gas exchange needs. ठीक है, हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता प्लांट्स के पास, लेकिन फिर भी हर पार्ट गैसियस एक्सचेंज करता है. प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज एंड डिस्टेंस दैट गैस मस्ट डिफ्यूज इन लार्ज प्लांट इज नॉट ग्रेट
and during photosynthesis oxygen is released in leaves and diffused to the other part of the leaves. हम chapter number 13 में already पढ़ चुके हैं कि photosynthesis में oxygen release होती है और that oxygen is comes from water. Clear? And during process of respiration oxygen is utilized and carbon dioxide and water release along with energy molecules in the form of ATP. Clear? And now we discuss about the respiratory quantum. Their short form is RQ. Is the ratio of the volume of carbon dioxide produced to the volume of oxygen consumed in respiratory over a period of time, that is RQ value, respiratory quantum, is equal to 1 for carbohydrate and less than 1 for protein and peptone. देखो इसमें क्या होता है, RQ is equal to releasing of CO2, यहाँ पे release कर दें, releasing of CO2 and अपॉन में हम कर देंगे कंज्यूम ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर बच्चों? नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हैव टू टाइप, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ डैट रेस्पिरेशन दैट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस. एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन. Aerobic have respiration further have three types. One is glycolysis, second is Krebs cycle, and third is the terminal oxidation. Student, aerobic respiration hum next video mein karenge. Now thank you and have a nice day, student.